जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम जा रहे हैं शादी में, और जहाँ पे शादी में जा रहे हैं ना, पहली बार ही जा रहे हैं, रास्ते का कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम। और रास्ता कितना ख़तरनाक है, तो बाइक पर मेरी बुआ गई हैं अभी। यहाँ के बच्चे चला लेते हैं ऐसे रास्ते को भी बाइक, जितना गंदा रास्ता है कि पैदल चलने भी मुश्किल होती है। और यह है बुआ का बेटा और बहू, तो इन्हें भी भेज दिया है, लेकिन हमें ना यहाँ पे गाड़ी उतार तो ली क्योंकि रास्ते का पता नहीं था, और गाड़ी उतार ली नीचे। और यहाँ से चढ़ानी ना बहुत ही मुश्किल हो गई क्योंकि बहुत ही फिसलन रास्ता था, चिकनी मिट्टी होती है, तो टायर बिल्कुल पीछे आ रहे थे, गाड़ी पीछे बैक होकर आ रही थी। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं भाई, मदद कर देते हैं, बिना कहे ही बिना मांगे ही मदद दे देते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो इन्होंने काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो इन्होंने गाड़ी निकलवा दी है। और मैं और छोटे वाला बेटा अभी शादी में नीचे जा रहे हैं, और इसके पापा वापस हमें छोड़कर चले गए हैं। तो शुक्र है गाड़ी तो निकल गई, बस यही बहुत है हमारे लिए कि गाड़ी निकल गई, बहुत टेंशन हो गई थी। और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है नीचे जाने के लिए, क्योंकि पहली बार आए हैं ना, तो रास्ते का पता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और यहाँ पे आते जाते रास्ते में पता चल रहा है कि शादी कहाँ है, किस घर में है। दूर दूर से होते हैं, बड़े बड़े गांव नहीं होते यहाँ पे, अकेले अकेले घर होते हैं। तो मैं और छोटे वाला बेटा ही जा रहे हैं, और जो नीचे घर दिख रहा है ना, अभी वहाँ पर जाना है हमें, वहाँ पर है शादी, तो पहुँच ही जाएँगे कैसे ना कैसे, क्योंकि जो कच्ची पटरी गई है वहाँ उनके घर तक ही। और शुक्र है अभी रात नहीं हुई है, क्योंकि 6 बजे ही हम पहुंच गए थे, और 1 घंटा गाड़ी निकालने में लगा यहाँ से। तो वो तो चले गए हैं, और हम आ चुके हैं यहाँ पे शादी वाले घर में, जिनके घर में शादी है वहाँ पे आए हुए हैं हम। तो बहुत ही मुश्किल होते हैं यहाँ के रास्ते, ख़तरनाक पहाड़ी रास्ते। तो यहाँ पे दूल्हे को सहरा बन चुका है, रात को ही बांध देते हैं इनके सहरा। तो पता नहीं अब अपने रीति रिवाज होंगे जो भी, रात को यहाँ पे शगुन वगैरह भी दे दिया था। और यह है अगली सुबह का वीडियो, क्योंकि इस टाइम बारात जानी होती है, तो शगुन वगैरह दिए जाते हैं जो भी दूल्हे को देने होते हैं। तो ये अगली सुबह का वीडियो है, और हमें भी बारात के साथ ही निकल जाना है यहाँ से, क्योंकि फिर यहाँ से ना जाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साधन वगैरह भी नहीं है, और यहाँ से पैदल का रास्ता भी बहुत लंबा है भाई। तो नहीं तो फिर से दोबारा उन्हें बुलाना पड़ेगा ले जाने के लिए। तो इतनी दूर आने से अच्छा है कि भाई हम बारात के साथ ही निकल जाएं, क्योंकि रास्ते में ही हमें उतर जाएंगे, उधर से ही पड़ता है रास्ता जहां बारात जाएगी। और यहां पे चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, यहां पर आकर अच्छा लगता है, लेकिन रास्ता देख कर बस डर लगता है। यहाँ पर आने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे बारात निकल चुकी है, हम भी इन्हीं के साथ ही निकल जाएंगे। तो मैं और मेरा छोटे वाला बेटा पहले ही आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इनका टाइम लगेगा अभी, जो अपने देवी देवते होते हैं तो उनको यहाँ पे मत्था वगैरह टेका जाता है, और पैदल नहीं दूल्हे को ले जाया जाता, इसी पालगी बोलते हैं, ऐसे पालगी में जैसे घोड़ी पर बिठाते हैं, तो वैसे यहाँ पर पालगी में बिठा कर दूल्हे को जहाँ पर गाड़ी है वहाँ तक छोड़ा जाता है। तो गाड़ी में बिठाएँगे दूल्हे को, तब ये पालगी से उतरेंगे जब गाड़ी के पास पहुँचेंगे। और काफ़ी हाइट पर है भाई सड़क यहाँ से, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बहुत ही मुश्किल से, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी।
और ये देखिए दूल्हा गाड़ी के पास ले जा रहे हैं दूल्हे को। पहाड़ी इलाकों में रहना कोई आम बात नहीं है। हम तो चलो एक दिन के लिए ही शादी में आए हैं, लेकिन जो लोग यहीं पे ही रहते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें होती होंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा सामान भी लेना हो तो कितनी दूर आना पड़ता है, और जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल होता है वहाँ पे ये लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कितना रिस्की काम है भाई। तो चलो, पहाड़ का जीवन कोई आसान नहीं होता कहने के लिए, लोग घूमने आते हैं आते, लेकिन जब यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी पड़े ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कमियाँ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।